पठानकोट के हल्का भोआ के गांव दतियाल के लोगों ने गांव के सरपंच के खिलाफ किया रोष। मामला गांव के गंदे पानी की निकासी का। देश को आज़ाद हुए कई साल बीत चुके हैं, पर पठानकोट के सरहदी इलाके के लोग आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके चलते आए दिन लोगों में सरकारों और सरपंचों के प्रति रोष देखने को मिल जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही भुआ के गांव दतियाल की भगतपुर कॉलोनी में देखने को मिला। यहां लोगों में गांव के सरपंच के खिलाफ रोष देखने को मिला। बता दें कि इस कॉलोनी में लोगों के घरों के बाहर गलियों नालियों का गंदा पानी पिछले कई महीनों से खड़ा है, जिसमें मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं और लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि कॉलोनी के बच्चे व बूढ़े बीमार भी पड़ चुके हैं, पर सरपंच है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह लोग जब भी सरपंच गोपाल दास से बात करते हैं तो वह टाल मटोल कर देता है, कहता है कि कुछ दिन रुको, मैं इसे चंडीगढ़ जैसा बना दूंगा। लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ तो दूर की बात है, अभी तक गांव को सरपंच एक अच्छा गांव भी नहीं बना सका। लोगों ने कहा कि जबकि चुनाव आते हैं तो वह लोग वोट मांगने आ जाते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो कोई भी विकास की ओर ध्यान नहीं देता। लोगों ने कहा कि अगर जल्द सरपंच ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। उधर जब इस संबंधी गांव के सरपंच गोपाल दास से बात की गई तो उन्होंने गाँव के लोगों वाली बात की दोहराई व कहा कि 2-3 दिन में इसको सही में बढ़िया बना दिया जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि इसे जल्द चंडीगढ़ जैसा बना दिया जाएगा। की कहना चाहते हो गंदगी नू लेके, तुसी पंचायत मेंबर भी हैगे हो, क्यों नहीं हो रहा काम? सर देखो गंदगी तो बड़े चली से 8-10 महीने हो गया जी, ठीक है जी, और सरपंच आता है सुन के चले जाता है, ठीक है, बड़ी परेशानी है इन्हों इस महल में, ठीक है, और बगैर बरसात तो देख ला इन्ना पानी है, जो बरसात हो ना फिर तो मसू की लड़ पै जी इतनी, ठीक है। कई बार बजुर्ग ने मैंने कहा भी देखा कि मैं दिखा कि चलो ये तो सरपंच की ज़्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी सरपंच की बनती है जी, ठीक है, तो साड़ी तो सुनवाई नहीं होती पंचायत मैंबर। देखो पंचायत मैंबर हो तो भी नहीं सर कोई गल नहीं मनता, की कहना चाहते हो? हाँ जी की मांग कहना की चन मांग यो है, जोड़ा मसला पिया है बरसात इन्ना ओवरफ्लो हो रहा है पिंड च गंदगी पेदी, जल्दी जल्दी ये काम मुकाना चाहिए, क्लीयर करना चाहिए, ठीक है नहीं, जोड़ा साल तो कम लमका के रखे हुआ ये 4 दिन काम करवाता है। हाँ जी कि महला पैंता तो कि पिंड पैंता थोड़ा? सर महला ही है भगतपुर दतियाल। की हैगा तुहाडे महल्ले दे विच बहुत ज़्यादा गंदगी है, गंदा पानी खड़ा, की इहदा अज तुसीं रोश भी कर रहे हो? सरपंच दा ही है सर सारा जिन्ना भी है, सिर्फ लारे लांदा, एक दिन आंदा लारे लांदा फिर महीना घर लगदा नहीं, फोन कीते दे भी नहीं आंदा। की इस गंदगी नाल महल्ले दे बच्चे बच्चे बीमार नहीं होंदे? सारे बीमार ने, इन्ने इहदे डाक्टर दे कोल है नहीं, डाक्टर जी पुछो, अस आपे खुद बीमार है, कल दे डिग्गी पे ने गिट्टा पूरा सज्जे दा। अच्छा ते की ओह सरपंच सुनदा नहीं तुहाडी? नहीं सुनदा, आंदा नहीं पिंड, आंदा नहीं, आग तो सड़क जाग उतों चली। कि हूँ वोटा नहीं पाइया तुम? वोटा अं दी साढ़े भी वोटे बनिया ही। की मांग करते? मांग यो करने अस भी गली सफाई होनी चाहिए है, साफ सुथरी गली होनी चाहिए, सारे दुनिया च सफाई है सारी। जी अपना बहुत राज की समस्या की आ रही है? देखो जी मैं फिर पेशे तो आयुर्वेदिक फार्मेसी है, मेरी इतने दुकान हैगी अपनी मेरी, तो मैं इसे पिंड का बसनीक है, 70 साल हो गया है, कहते कि गलिया नालिया के उपर ही विकास चलता है, तो तुम देख लो 70 साल तो यही काम है, गलियां नालियां हाल तक ये नहीं बनी है सरकारा को, सरकारा कहें जी बड़ा विकास करता है, डिजिटल इंडिया बनाता जी, ये करता वो करता जी, तो हाल तक देख लो तुम साढ़े पिंड का विकास, देखो एक बार नज़र मार मरा के दसो इन्होंने सारे की हाल है। इतने सरपंच साहब ने गल नहीं की थी अपने? सरपंच साहब हर बंद ने गल की है, मैं कल ने नहीं की है, इस पिंड एक एक बंद ने की गल, उन्हें सारे ने अपने विभाग के उपर पूछा उन्होंने कि गल हैगी है, काम पूरा क्यों नहीं करवाते तुम, तो वह जवाब यही है कि 2 दिन दे दो जी, 4 दिन दे दो जी, सू 10 दिन दे दो जी, मैं तुम चंडीगढ़ बना देंगे पिंड में, तो देख लो चंडीगढ़ ये सर थोड़े पिंड जरा भगतपुर कलोनी हैगी है, उत्थे गंदगी बहुत ज़्यादा पिछले 6 महीने या साल तो, लोगों का कहना कि सरपंच को बार बार कहा जाता, सरपंच हजे तक कोई काम नहीं करवा चुका, जबकि वो कहता कि 2 दिन रुक जाओ 4 दिन रुक जाओ मैं चंडीगढ़ बना देना, इदा का की मामला? चंडीगढ़ तो बने ही बने जी, सिर्फ ना गलियां सारियां पहले नहीं बना दी गई, तो सिर्फ नाले का काम भी सारे हो गए कंप्लीट, एक सिर्फ पैप का काम है, वो हूँ 2-4 दिन ही लगने, तो पैप मैं उत्थे पवा देने वधिया बन जाना काम, जिस तरह अगे गर्मी का मौसम है बरसात आ जाए नहीं, तो कहना कि मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा, हले भी साढ़े बच्चे काफ़ी बीमार है, लेकिन पैसा ध्यान नहीं दे रहे है, उत्थे मैंने पता भी पानी खलोते उत्थे गंद तो है, पर हूँ अं पुजने नहीं देना उदों तक, यह 2-4 दिन बाद देखियो अब
बना देना, वधिया बना देना, पानी निकल जाना, फिर गंद सारा ही।